हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजेंद्र, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कुछ लोग पेनियर बाई के कर्मचारी बनके रिटेलर का पैसा लूट रहे हैं। तो चलिए आपको एक ट्रिक बताता हूँ, उस ट्रिक का आप ध्यान रखिए ताकि आपका पैसा बच सके। तो फ्रेंड्स, कुछ लोग हैं पेनियर बाई के कंपनी के कर्मचारी बताते हैं और आपसे आईडी पासवर्ड पूछते हैं और कुछ डिटेल पूछते हैं और आपका पैसा साफ कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए मैं पेनियर बाई को ओपन कर लेता हूँ और यदि आप रिटेलर आईडी लेना चाहते हो तो रिटेलर आईडी भी ले सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ। फ्रेंड्स देखिए, फ्रेंड्स चोर है जो फ्रॉड है वो कुछ ना कुछ नई नई ट्रिक अपनाता रहता है कि लोगों को कैसे लूटा जाए, कैसे उससे पैसे निकाला जाए। तो आपको उन चीज़ों से बचना है। तो वो कैसे, देखो सबसे पहले एसएमएस पेमेंट से पैसा निकालते थे चोर जो फ्रॉड है वो, इसका यूज करते थे, लेकिन कंपनी को बहुत घाटा हो गया और इस कारण ये एसएमएस पेमेंट बंद कर दिया। अभी वो चलाते हैं तो केवाईसी पेंडिंग दिखाता है, ठीक है। तो जो भी डिस्ट्रीब्यूटर है तो इसकी सेकंड केवाईसी होती है फ्रेंड्स, आप उसकी सेकंड केवाईसी करोगे तो ये एसएमएस पेमेंट भी चालू हो जाता है। लेकिन जो भी डिस्ट्रीब्यूटर है उसको एक बात बता देता हूँ, जो भी आपके नज़दीक है, आपके खास है, जिसको आप जानते हो घर तक, उसी की केवाईसी करनी है। और फ्रेंड्स इसके अंदर आगे भी आप देख रहे होंगे बहुत सारे ऑप्शन हैं, मनी ट्रांसफ़र है और बहुत सारी सर्विसेज है। जो भी नया रिटेलर बनना चाहे तो रिटेलर आईडी ले सकते हो, लेकिन रिटेलर आईडी उसी को मिलेगी जो नज़दीक में होगा, पास में होगा, ठीक है ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी आपको बता दें कि आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। एक मेरा दोस्त है परविंदर, उसका भी पैसा निकल गया 45,000, उसने भी ध्यान नहीं दिया। और एक मेरा दोस्त है रविंदर, उसका भी पैसा निकल गया 24,918 रुपये। तो फ्रेंड्स ये एक ही डेट को हुआ था, 23 अक्टूबर को, ठीक है। तो आपको यहाँ पे जाना है, यहाँ पे जैसे ही जाओगे फ्रेंड्स, क्योंकि कंपनी के कर्मचारी बनके कुछ ना कुछ नई नई ट्रिक अपनाते हैं और लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। तो फ्रेंड्स यदि आप मूव टू बैंक करते हो, आपको पता ही होगा यहाँ पे मूव टू बैंक किया जाता है, आपको सबसे पहले ये डिटेल देख लेनी है। यदि अकाउंट नंबर आपका सेफ है, सिक्योर है, तो आपको मूव टू बैंक करना है, ठीक है, तभी आपको मूव टू बैंक करना है, वरना आपका पैसा कहीं और जा सकता है। ऐसे ही मेरे दोस्त का हुआ था, उसने अकाउंट नंबर किसी और का लगा दिया, चोर ने जो फ्रॉड है उसने अकाउंट नंबर अपना लगा दिया और जैसे ही उसने मूव टू बैंक किया रविंदर ने, और वो पैसा चोर के खाते में चला गया। तो फ्रेंड्स ऐसे ही करते हैं, कुछ ना कुछ नई ट्रिक अपनाते हैं। तो आपको जैसे ही मूव टू बैंक करते हो तो आपको इस चीज़ का ध्यान दे लेना है। यदि अकाउंट नंबर आपका ही है तो ठीक है, आप मूव टू बैंक कर सकते हो, यदि किसी और का है तो आपको अकाउंट नंबर चेंज कर लेना है। यदि किसी और का लगा रखा है तो आप मनी ट्रांसफ़र कर लीजिए, आप मनी ट्रांसफ़र करके पैसा निकाल सकते हो, ठीक है। और अपना आईडी पासवर्ड चेंज कर लीजिए, यहाँ पे जाके आप आईडी पासवर्ड चेंज कर सकते हो। तो फ्रेंड्स जो भी डिस्ट्रीब्यूटर है तो अपने रिटेलर को बता दीजिए कि ऐसे ऐसे फ्रॉड चल रहा है, कि उनके साथ ये घटना ना हो सके। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो इतना ही था, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, और मेरे चैनल में पहली बार आए तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। और फ्रेंड्स किस किस के पैसे ऐसे निकल चुके तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और कितने कितने पैसे आपके साथ फ्रॉड हो चुका है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ठीक है। उसके ऊपर भी आपको वीडियो बना के देंगे हम आपको, तो ज़रूर कमेंट करें दोस्तों। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।